नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव की। मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मालदीव को जितना भी सामान था अभी तक भारत से 90% सामान भारत से ही सप्लाई होता था, लेकिन मालदीव की हरकतों के कारण भारत ने अपनी दूध से बनी चीज़, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, अंडा और अब LPG तक ये सभी पे रोक लगा दी है। भारत ने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ भारत कर रहा है। दूध के प्रोडक्ट पे अगर रोक लग जाती है तो ऐसे में जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, गर्मियों में ज़्यादातर ड्रिंकिंग चीज़ें लेते हैं, उनके लिए भी दिक्कत होगी। मालदीव ने ये खुद अपने पेट पर लात मारी है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, जो उसने भारत को छोड़कर चाइना की तरफ दौड़ा है। चाइना से वो मंगा नहीं सकता क्योंकि बहुत दूरी पड़ती है। एक तरफ 800 किलोमीटर है तो एक तरफ 3200 किलोमीटर है, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। दूसरा, अभी भारत LPG को भी रोकने के लिए पूरा बंदोबस्त कर चुका है। भारत का कहना है कि फ़िलहाल अफ़गानिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है LPG की। भारत LPG अब भेजेगा अफ़गानिस्तान और कई अलग अलग देशों में, लेकिन मालदीव को नहीं देगा। इससे मालदीव को अपनी गलती का एहसास भी होगा और भारत की ताकत का भी एहसास होगा। मालदीव की जनता भी देखेगी कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है। ये वही भारत है जो मालदीव के हर जगह पे रक्षा करता था, हर जगह पे मदद करता था, लेकिन ये वही मालदीव है जो जाके चीन की गोद में बैठ गया है। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए कि क्या भारतीय गवर्नमेंट ने ये सही किया या भारतीय गवर्नमेंट का ये गलत कदम है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है टाटा और फ्रांस की एयरबस को लेकर। हाल ही में आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। तो यहाँ पर उनके आते ही कई सारी डील साइन हुई हैं। सबसे बड़ी डील जो साइन हुई है वो समझिएगा कि चीन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करने वाली है। इस क्षेत्र में चीन कई बार काम कर चुका है लेकिन हर बार विफल हुआ है। दरअसल ये डील है सिविलियन हेलीकॉप्टर बनाने की, जो अभी तक चीन नहीं बना पाया है। भारत भी जो करता है विदेशों से ही इम्पोर्ट करता है, लेकिन अब यूरोपीय कंपनी एयरबस और भारतीय कंपनी टाटा के बीच में ये डील हो चुकी है और बहुत जल्द हमारे भारत में ही सिविलियन हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। इनसे जॉब तो क्रिएट होंगी ही होंगी, भारत से इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, भारत की मदद भी होगी, भारत में पैसा भी आएगा, साथ ही साथ डिजास्टर जैसे बाढ़ वगैरह इन जैसी चीज़ों में जल्दी से रेस्क्यू किया जा सकेगा। जल्दी से हमें अगर एयर एम्बुलेंस चाहिए उसका फ़ायदा हो जाएगा, और भी कई जगहों पर, दुर्गम जगहों पर पहुँचना आसान हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए, टाटा के लिए और आम नागरिकों के लिए, सभी के लिए एक बेहतरीन डील है जो यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति और हमारी टाटा के बीच में हो चुकी है। एक और डील है इसमें, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच एक जेट इंजन के लिए भी डील आखिरी चरण में है। ये खबर बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पे मिलेगी कि हमारे भारत अब जेट इंजन बनाने में भी सक्षम है, और ये जेट इंजन जो है ये 6th जनरेशन फाइट जेट का इंजन होगा, जिसकी अभी तक दुनिया में पूरी चर्चा है कि कौन देश इसको सबसे पहले और सबसे बेहतरीन बनाएगा। तो उम्मीद ये है कि भारत यहाँ पर भी बाजी बहुत जल्दी मार जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आपका एक सेकंड का काम है, आप इसे ज़रूर कर देंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मालदीव की संसद में आज एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात हुई है। मालदीव दो गुटों में बट गया है। इसका क्या कारण है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि करीब 4 महीने हो गए मोहम्मद मोजू के वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए, लेकिन वो चीन के प्यार में इतना अंधा है और भारत से इतना विद्रोह कर रहा है कि अपनी कैबिनेट बनाने ही भूल गए। यानी कि पिछले 4 महीने में वहाँ पे कोई मंत्री ही नहीं बन पाया, किसी मंत्री को कोई एरिया ही असाइन नहीं हो पाया। अब 4 महीने बाद मोहम्मद मोजू को ये ध्यान आया कि मंत्री भी बनाने हैं, तो कैबिनेट में ये बात हुई, संसद में ये बात हुई कि कैबिनेट को पास किया जाए। इस पे विपक्षी दल भड़क गया। विपक्षी दलों को भी अब ये दिख रहा है कि इंडिया आउट का जो इन्होंने कैंपेन चलाया था, जो नारा लगाया था, अब लोग उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष में
और जो सत्ताधारी हैं उनमें यहाँ पर लात घुसे इस तरह से चले कि बाहर सड़क के गुंडे भी शर्मा जाएं। पूरा मालदीव दो गुटों में बटा हुआ है, एक भारत की तरफ समझिए और दूसरा चीन की तरफ समझिए, एक सत्ताधारी का एक विपक्षधारी का। तो इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। पहली खबर थी मालदीव की सप्लाई रोकने की, क्योंकि मालदीव धोखेबाज देश निकला। मालदीव की जो अभी सरकार है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सरकार है, चीन को सलाह देती जा रही है, चीन को सराह रही है, चीन से ही सारे हेलीकॉप्टर वगैरह मंगाने की बात हो रही है, जबकि भारत के जो पहले से हैं उन्हें आउट का नारा दिया जा रहा है, इंडिया आउट से। दूसरी खबर थी हमारी एयरबस और टाटा दोनों मिलकर बनाएंगी सिविलियन हेलीकॉप्टर। और तीसरी खबर यहाँ पे ये मालदीव की थी, जिसमें सत्ताधारियों और विपक्ष में दोनों में लात घुसे चले हैं। तो आपको अगर खबर अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सेकंड का काम हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।